अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम इन जैद किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज के मैं न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं आपको कुरकुरे भिंडी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी, कि जो रमज़ान भी आने वाले हैं और ये यूनिक रेसिपी हो जाएगी लोगों के लिए कि वो बना सकें घर में अपने आम पकौड़े बनाने से हट के ज़रा, और जो है थोड़ा हेल्दी फूड भी हो जाएगा। भिंडी है और भिंडी भी हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है, तो बहुत मज़े की बनेगी। सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ इसमें डालना नहीं है, तो आप देखिएगा मैं किस तरह बनाती हूँ। अच्छा जी, और कराची का वेदर तो आप लोगों को पता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है कराची में। अभी यह हाल है तो जून जुलाई में पता नहीं कि क्या हाल होगा, अगर रमज़ान अच्छे से गुजर जाए। रमज़ान आने वाले हैं तो इसीलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप अपने घर में बनाएं, एक नई चीज़ और मज़े की चीज़ होगी। ठीक है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, ये मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके एग्जाम्स। अच्छा, ये देखें, ये भिंडी जो है मैंने काट के रख ली है। अब आ जाते हैं कि बनाने की तरफ, कि किस तरह इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे, ये इसमें बेसन डलेगा, थोड़ा कॉर्नफ्लोर डलेगा, पीसी मिर्च डलेगी, चाट मसाला डलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम साइड में कर देते हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी कि कितना क्या क्या डलेगा। ओके, सबसे पहले तो इसमें डालेंगे भिंडी। ठीक है, हमने भिंडी डाल दी है। अच्छा, मेरे पास लीमू नहीं था, मगर आप इसमें लीमू भी, हाफ लीमू भी निचोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ही सॉल्ट, हाफ टीस्पून मैं इसमें पिसी मिर्च डालूंगी, वन टीस्पून में इसमें चाट मसाला डालूंगी। मेरे पास लीमू नहीं था, आप इसमें हाफ लीमू भी निचोड़ दीजिएगा इस वक्त। ठीक है, अब मैं इसमें बेसन, तीन चार 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन के डाल दिए, कॉर्नफ्लोर, तीन मैंने कॉर्नफ्लोर के डाल दिए। ठीक है, अब इसको ये मैंने पानी लेके रख लिया है, अच्छे से इसको जो है मिलाना है। हमें कुरकुरी बनानी है ना, तो हमें इसको बहुत अच्छे से मिलाना है। ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, चाट मसाला डाला है, पिसी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, बस और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा हमने पानी का छींटा दिया है, ताकि इसमें सब अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा सा और देंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा, इसको
को हमें कुरकुरी बनाना है तो हमें कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा ऊपर से। थोड़ा सा बेसन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस तरह चाहिए। थोड़ा सा मैं छीटा दे दूँगी, थोड़ा सा। मैं असल में इसको ज़्यादा लिक्विड में नहीं लाना चाह रही, मैं इसको ड्राई फ्राई करूँगी क्योंकि वही बहुत क्रिस्पी बनेगी। फिर ये जो मिक्स करना है यही बहुत ज़बरदस्त है, इसको अच्छे से मिक्स करना है हर चीज़ में। आप चाहें तो दो तीन इस तरह ले लेंगे तो ये थोड़ा सा पकौड़े की शक्ल में आ जाएगा, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अब फ्राई करने के लिए। ये तेल गरम मैंने कर लिया है, ठीक है, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे, कुरकुरी, भिंडी पकौड़ा, ये देखें भिंडी हो गई है, हम निकाल रहे हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यह सब सारी सरह निकाल फ्राई करके निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं फ्राई करके सारी भिंडी निकाल लूँगी जी। तो देख सकते हैं कुरकुरे भिंडी पकौड़ा तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं और अब मैं इनको केचप के साथ खाऊँगी। बहुत ही मज़े की, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की। जो क्रिस्पी पन है ना इसका, वो केचप के साथ तो और ही लजीज लग रही है। एक नई रेसिपी आम पकौड़ों से हटके, कुरकुरे भिंडी पकौड़ा। ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, बनाएं घर में, मैं कमेंट्स कर रहा हूँ कैसी लगी हो। ठीक है, फिर मिलूँगी मैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।